नमस्कार, न्यूज़ 111 में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा वर्मा। भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री और साउथ में कई फिल्में कर चुकी अनारा गुप्ता का आज जन्मदिन है। अनारा गुप्ता ने महज 15 साल की उम्र में ही मिस जम्मू का खिताब हासिल कर लिया था। अनारा का जन्म 29 अगस्त 1986 को जम्मू में हुआ था। आपको बता दें कि अनारा गुप्ता ने दीवान बद्रीनाथ विद्या मंदिर से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई ही की है और 2001 में उन्होंने मिस जम्मू से नवाजा गया था और उनकी जिंदगी में जो उतल फुतल शुरू हुआ वो उसके बाद से ही शुरू हुआ। आपको बता दें कि 2004 में सेक्स स्कैंडल में उनका नाम उछाला गया था। अनारा पर आरोप था कि सेक्स टेप में दिख रही लड़की अनारा है। अनारा ने न्यूज चैनल से बात करते हुए बताया कि सेक्स स्कैंडल के दौरान उन्हें काफी विवाद और पुलिस का टॉर्चर सहना पड़ा था। अनारा और उनकी माँ ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार अपनी बेगुनाही साबित की। वहीं अनारा की कहानी पर 2007 में मिस अनारा नाम से बॉलीवुड फिल्म भी बनी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। अनारा ने फिल्म के ना चलने की वजह फिल्म में कई स्टार कास्ट का ना होना बताया। अनारा ने इस फिल्म में अपना ही रोल निभाया था। आपको बता दें कि ये फिल्म एक भोजपुरी फिल्म उद्योग के व्यक्ति ने देखी थी, जिसके बाद उसने अपने मित्र और डायरेक्टर हैरी फर्नांडिस के साथ इस फिल्म पर चर्चा की। फिल्म का शीर्षक विधाता रखा गया। फिल्म में उन्हें एक नया फेस चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपने मित्र की सलाह पर फिल्म में अनारा को साइन कर लिया। इस फिल्म को लोगों की काफी ज्यादा सराहना और प्यार मिली और देखते देखते अनारा की गाड़ी भोजपुरी फिल्मों में चल पड़ी। अनारा ने अपनी सफलता के दौरान कई तमिल फिल्मों में भी काम किया है। अब तक अनारा ने 50 से ऊपर भोजपुरी फिल्मों में काम कर लिया है। अनारा अपनी बेहतरीन फिल्मों में विधाता, रंग दे बसंती चोला और मुन्ना भाई को मानती हैं। अनारा की माने तो वह हर तरह के रोल करना पसंद करती हैं और फ्यूचर में करना भी चाहती हैं। उन्होंने बिना किसी इनसिक्योरिटी के नेगेटिव साइड वाले रोल भी किए हैं। अनारा को एक्सपेरिमेंट करना बेहद पसंद है। उन्होंने बताया कि फिल्म मोहब्बतें में उन्होंने नेगेटिव रोल किया था। आपको बता दें कि अनारा ने मोदी सरकार द्वारा धारा 370 हटाए जाने का स्वागत किया है। एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इसे कानून की वजह से घाटी के लोगों को कितने अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा था, अब वह मेन स्ट्रीम में जुड़ पाएंगे, लोगों को का नजरिया बदलेगा और नौकरियों के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बदलेंगे। बता दें कि अनारा अब सोशल वर्क पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। अनारा ने बताया कि उनकी टीम ने एक ऐसी जगह खोज निकाली है जहां लोग गरीबी की वजह से डायबिटीज के शिकार होते चले जा रहे हैं, उन्हें उनकी मदद करनी है। इसके अलावा जम्मू के कुछ हिस्सों में वो फ्री फूड की व्यवस्था भी शुरू करने जा रही हैं। वहीं अपने जन्मदिन पर ऐसी शानदार पहल की शुरुआत करना अनारा के लिए एक बेहतर इंसान होने की गवाही जरूर देता है। फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।